मैं देवेंद्र लोढ़ाया विरल मार्केटिंग वडोदरा से आपको बॉलपेन उद्योग के बारे में थोड़ी जानकारी दे रहा हूँ। ये घर बैठे आप उद्योग कर सकते हैं, बहुत ही आसान कामकाज है। सबसे पहले मैं आपको रॉ मटेरियल के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। ये इधर बॉलपेन बनाने की बैरल्स पड़ी है, सब अलग अलग डिज़ाइन हमारे पास अवेलेबल होती है, आपको जो डिज़ाइन चाहिए। उसके बाद में ये बॉलपेन बनाने के ढक्कन है अलग अलग डिज़ाइन के, सब डिज़ाइन हमारे पास अवेलेबल होती है इस तरह से। ये तीसरे पार्ट ये है, एडेप्टर कहा जाता है इसको। ये हर कलर के मैचिंग के एडेप्टर मिलते हैं। ये बॉलपेन में लगाने वाले टिप्स जिसको नोजल भी कहा जाता है, ये अलग अलग डिजाइन के सारे नोजल्स पड़े हैं इधर। ये इंक है, और जब आपकी बॉलपेन कंप्लीट हो जाती है तो ये पैकिंग किया हुआ माल रेडी है। इस तरह पैकिंग करके माल को बेच भी सकते हैं। अब मैं आपको बॉलपेन बनाने की मशीनरी बताने जा रहा हूँ। ये मशीनरी है बॉलपेन बनाने की। सबसे फर्स्ट ये मशीन है, इसको एडेप्टर मशीन कही जाती है। हम ये एडेप्टर इस मशीन से बिठाते हैं। इधर ये एडेप्टर रखा जाता है इस तरह से, और ये पाइप इधर रख के सिंपल आप एक उंगली से हैंडल प्रेस करेंगे, कोई आपको ताकत की ज़रूरत नहीं है। तो ये एडेप्टर फिट हो गया है। इसके बाद दूसरी प्रोसीजर है पेन ऊपर नाम प्रिंटिंग करने की। आपको जो अपना खुद का ब्रांड नेम मार्केट में रखना है वो ब्रांड नेम आप इस मशीन से फिट कर सकते हैं। इस मशीन में इधर पाइप रखी जाती है और ये हैंडल प्रेस किया जाता है तो इस पे नाम छप जाता है। उसके बाद में तीसरी प्रोसीजर है इंकलिंग प्रोसीजर है। इसमें ये पाइप इधर ये लगाई जाती है, ये हैंडल प्रेस करते इस तरह से इंक भरी जाती है। इसके अंदर पीछे निशानी दी हुई है कितनी इंक भरनी है। ये इस तरह से इंक फिलिंग हो गई। तीसरी प्रोसीजर है टिप बिठाने की, जो नोजल कहा जाता है। ये नोजल मशीन में इधर इस तरह से रखा जाता है, ये जो बैरल है उसको इधर ये रख के ये प्रेस किया जाता है तो ये पॉइंट फिट हो गया। फिट हो जाने के बाद इसको इस तरह से खड़ी रखी जाती है। ये देखिए ये नोजल इधर हमने मशीन में इंसर्ट कर दी। उसके बाद ये इधर ये बैरल रखी और ये प्रेस किया, ये टिप्स फिट हो गया। इस तरह से हम रखते जाते हैं। जब 120 पेन हमारी इस तरह से तैयार होती है तो आखिरी प्रोसीजर है सेंट्रीफ्यूज प्रोसीजर। उससे पेन चालू होती है, पेन के अंदर जो एयर बबल्स रह जाते हैं वो निकल जाते हैं, यानी पेन अपनी रुके बिना स्मूथ चलती है। उसके लिए सेंट्रीफ्यूज मशीन है। जब 120 पेन तैयार हो जाती है तब 60 पेन एक तरफ रखी जाती है, 60 पेन दूसरी तरफ रखी जाती है और इसको इलेक्ट्रिक सप्लाई दिया जाता है। ये रोटेशन में गोल घूमता है और उससे हमारी पेन चालू होती है। जैसे रोटेशन में गोल घुमाया रखा हुआ है, ये फर्स्ट एडेप्टर मशीन है जिसे हम पेन बैरल में एडेप्टर बिठाते हैं। ये नेम प्रिंटिंग मशीन है, इसके बाद में हमने इंक फिलिंग की थी। ये आगे ये मशीन है, ये टिप फिटिंग मशीन जिसको नोजल फिटिंग मशीन भी कहा जाता है। ये सेंट्रीफ्यूज मशीन है जो इलेक्ट्रिक मोटर से चलती है, और ये रेगुलेटर है जो नेम प्रिंटिंग के काम में लगता है। ये पूरा 5 मशीन का सेट 19,400 में मिलता है, ओनली 19,400 रुपीज़। ओके।